हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आपके सामने ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी लाई हूँ। पनीर सब अपने घरों में बनाते हैं, सबको पसंद भी होता है, लेकिन जिस स्टाइल से मैं बना रही हूँ एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा गाइस। खड़े मसालों में मैंने 3 लौंग लिए हैं, 5-6 काली मिर्च लिए हैं, 2 इलायची लिए हैं और जीरा लिया है, 1 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, 4-5 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक, और यहाँ मैंने 3 प्याज को चॉप कर लिया है और 3 ही टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है। प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना है आपको, और टमाटर को मैंने कद्दूकस से ग्रेट किया है क्योंकि कद्दूकस से ग्रेट करने पे टेस्ट ही अलग आता है। और मैंने यहाँ दही लिया है, दही को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। सूखे मसालों में मैंने यहाँ 2 चम्मच बेसन लिया है, बेसन से ग्रेवी थिक रहती है और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है और 2 चम्मच आपको सूखा धनिया ले लेना है और नमक अभी नहीं डालना, और थोड़ी सी हल्दी ले ली है मैंने। यहाँ मैं पनीर को, जब हम ढाबा स्टाइल पनीर बना रहे हैं तो पनीर को थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में ही काटें, और मैं इसे अच्छे से काट लूँगी। पनीर हमारा कट के रेडी हो गया है। यहाँ मैंने एक पैन में घी गरम होने के लिए रख दिया है। जो पनीर काटा हुआ था मैं इसमें पनीर को सैलो फ्राई करूँगी, आपको डीप फ्राई नहीं करना है। पनीर दोनों साइड से उसके हल्का हल्का सेक लेना है, और मेरा थोड़ा पनीर ज़्यादा रेड हो गया था, आपको इतना रेड नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा रेड करना है, दूसरी साइड से भी सेक लेना है। अभी मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी रख दिया था और उसमें नमक डाल दिया है 2 चम्मच। जब जो पनीर मैंने सैलो फ्राई किया था उसको मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे पनीर डालेंगे ग्रेवी में तो वो टाइट रहता है। जब पानी में डाल के आप जब ग्रेवी में पनीर डालोगे तो वो बहुत सॉफ्ट बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में घी गरम होने रख दिया है और जो खड़े मसाले थे जीरे के साथ उनको डाल दिया है, उनको अच्छे से पक जाए तो इसके बाद लहसुन और अदरक के पेस्ट को डाल देना है और इनको अच्छे से पका लेना है। और इसके बाद हरी मिर्च को डाल देना है, उसको भी अच्छे से पका लेना है। और ये हमारा मसाला पक्के रेडी हो गया है। इसके बाद जो मैंने प्याज को ग्रेट किया हुआ था उनको डाल देना है, और प्याज को हमको बिल्कुल इस टाइप से बनाना है जैसे मिक्सी में पीस दिया हो, बहुत अच्छे से। हाँ गाइस, इसमें थोड़ी मेहनत तो है लेकिन जब आप खाओगे ना तो आप जो सिंपल वाला पनीर बनाते हो ना वो बनाना भूल जाओगे, थोड़ी मेहनत है। बिल्कुल हमें इस प्याज को एकदम पका लेना है, बहुत टाइम लगता है उसमें, लेकिन हाँ जब मेहनत करते हैं तो फल भी उसका अच्छा मिलता है, तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप बना के देखिएगा एक बार। अब देखो अभी तो मेरा 50% पका है, और ये देखो ये बिल्कुल इस टाइप का आपको पका लेना है प्याज को। मेरा प्याज पक गया है, और टमाटर का जो ग्रेट किया हुआ था उसको भी डाल देना है। इसको भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जितना टाइम लगाओगे आप इसको पकाने में उतना ही आपके ढाबा स्टाइल पनीर में टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब नमक डालना है हमें, उस मसाले में मैंने नमक नहीं डाला था, अभी नमक अच्छे से मिला देना है। और देखिए मेरा एकदम बिल्कुल आपका ऑयल छोड़ने लग जाए तब तक आपको टमाटर को पकाना है, और देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लग गया है। इसके बाद जो मैंने बेसन के साथ मसाला लिया था उसे डाल देना है, और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। देखिए अब अच्छे से बेसन मैंने मिक्स कर लिया है और मसाले भी मिक्स हो गए हैं इसमें। इसके बाद मैं दही डालूंगी, और दही डालते ही आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको चलाते रहना है वरना वो फट जाएगा। तो मैंने दही डाल दिया है, अच्छे से पका लूंगी मैं दही को।
और बेसन है ना इसलिए भी डालते हैं कि हमारी जो ग्रेवी होती है वो थिक रहे, और जो दही डालते हैं ना बेसन से वो फटता भी नहीं है, तो बेसन इसलिए, और टेस्ट भी बहुत अलग सा आता है जब बेसन डालते हैं हम। और मेरा दही एकदम मिल गया है, पक गया है। अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ इसमें। अच्छे से मिला लेना है। अब जो हमारा बिल्कुल एकदम ग्रेवी पक गई है तो हमें इसे पानी डाल देना है। मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए पानी को। अभी थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। और ये देखिए हमारी ग्रेवी, अभी थोड़ा सा ढक के इसे मैं पका लूंगी। ग्रेवी को ढक दिया है मैंने 5 मिनट के लिए, और देखते हैं 5 मिनट बाद हमारी ग्रेवी इस टाइप की हो गई है। अभी हमें जो पनीर मैंने पानी में डाला हुआ था उसे मैं डाल दूंगी। ग्रेवी में जो मैंने पानी में पनीर डाला हुआ था उसे मैं अच्छे से एक एक करके डाल दूंगी। गाइज एक बार इस स्टाइल से पनीर आप बना के देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप रेस्टोरेंट ढाबे में पनीर खाना भूल जाओगे एक बार अपने घर में इस टाइप से पनीर बना लोगे तो। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सबसे मेन बात इसमें यही है ना कि मैंने ना तो प्याज को ना ही टमाटर को मिक्सी में चलाया था, मैंने अपने हाथों से प्याज को चॉप किया था और टमाटर को भी कद्दूकस किया था। उससे एकदम टेस्ट अच्छा आता है, और मैंने मसाले भी खड़े मसाले डाले तो बिल्कुल दही से बेसन से एकदम टेस्ट बदल जाता है हमारे पनीर का, और एकदम ढाबा स्टाइल पनीर बनता है। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए हमारा पनीर एकदम बनके रेडी हो गया है गाइज, आप खुद देख लीजिए किस टाइप का बिना बटर के एकदम ऐसा मलाईदार पनीर बनाया ना हमारा, बिल्कुल अच्छा। हमारा ढाबा स्टाइल पनीर बनके रेडी है, और मैंने इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लिया है। देखिए आप खुद किस टाइप का पनीर बनाए, देख के मुँह में पानी आ गया ना। तो एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप होटल रेस्टोरेंट ढाबे में पनीर खाना मंगाना भूल जाओगे। एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा और फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा गाइज। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।